सो हे गाइस, ये दिव्यांश गेमर एंड स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। सो गाइस, यार आज वाली वीडियो होने वाली है कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल सीजन 1 लीक्स के ऊपर। तो यार आज वाली वीडियो में काफी बढ़िया बढ़िया सीजन 1 के लीक्स बताने वाला हूँ, जैसे कि नेक्स्ट मिथिक करेक्टर कौन सा होने वाला है, नेक्स्ट मिथिक गन कौन सी होने वाली है और बैटल पास के करेक्टर कौन कौन से होने वाले हैं। इसलिए यार आज वाली वीडियो को एंड तक जरूर से देख लेना। लेकिन उससे पहले तुम लोग चैनल पर न्यू आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। तो चलो बिना देरी करें हमारे लीक्स की तरफ बढ़ते हैं। सो गाइस, लीक्स के साथ आगे बढ़ने से पहले मैं तुम लोगों को ये क्लियर कर देता हूँ कि यार सीजन 1 की जो थीम है वो क्या होने वाली है। तो गाइस, सीजन 1 की जो थीम होने वाली है वो होगी ल्यूनर न्यू ईयर की, यानी कि फरवरी 1 को जो फेस्टिवल होता है ल्यूनर न्यू ईयर, उसकी थीम होने वाली है कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल सीजन 1 की। एंड इसी से रिलेटेड सारे के सारे आगे लीक्स एंड कॉन्टेंट्स आने वाले। सो गाइस, हमेशा की तरह स्टार्ट करेंगे ब्रांड न्यू मैप्स के साथ में। जैसा कि यार मैंने तुमको अभी अभी बताया कि यार जो सीजन की थीम होने वाली है वो होगी ल्यूनर न्यू ईयर की, यानी कि यार सारे की सारी चीज़ें उससे रिलेटेड ही होने वाली है। तो सबसे पहला जो हमारा मैप है वो है चाइनीज न्यूकटाउन, जो कि यार अभी सीजन 1 के टेस्ट सर्वर में प्लेयेबल है। यानी कि यार अगर तुम्हारे पास अभी टेस्ट सर्वर है तो तुम इस मैप पर खेल सकते हो। एंड यार पर्सनली ये मैप जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, तुम्हें कैसा लगता है मुझे कमेंट में बताना। दूसरे मैप की बात करें जो कि यार सीजन 1 में ऐड होने वाला है, उसका नाम है हेयर डेड। थोड़ा सा यार बड़ा मैप है एंड ये आ रहा है सीओडी मॉडर्न वॉरफेयर से। एंड यार तुम इसका एक छोटा सा गेम प्ले भी देख पा रहे होगे अपनी स्क्रीन पर, ताकि यार तुम लोगों को आइडिया लग जाए कि यार ये कैसा मैप। लास्ट मैप की बात करें जो कि यार सीजन 1 में ऐड होने वाला है, उसका नाम है एसिएंडा। एंड ये जो है ये कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स 4 से आ रहा है एंड ये मैप भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। तुम्हें इन तीनों में से कौन सा मैप सबसे ज़्यादा बढ़िया लगा वो तुम मुझे कमेंट में बताना, बिल्कुल भी मत भूलना। सो गाइस, अब बात करते हैं एक ब्रांड न्यू स्कोर स्ट्रीक के बारे में, जो कि यार सीजन 1 में ऐड होने वाली है एंड इसका नाम है चॉपर गनर। अब यार ये जो स्कोर स्ट्रीक है कुछ कुछ यार वीटॉल टाइप की है, क्योंकि यार इसके अंदर क्या होगा, जैसे तुम इसे अनलॉक करोगे एंड इस पर क्लिक करोगे तो यार तुम अपने आप जो है जैसे कि यार तुम्हारे साथ वीटॉल में होता है वैसे ही यार तुम एक हेलीकॉप्टर के अंदर पहुँच जाओगे एंड वहाँ पर तुम्हारे सामने रहेगी एक मिनी गन। उस मिनी गन को तुम यूज़ करके मैप के ऊपर से काफ़ी सारे ईजी किल्स ले सकते हो एंड इसको यूज़ करके तुम काफ़ी सारी स्कोर स्ट्रीक भी डिस्ट्रॉय कर सकते हो, जैसे कि यार स्टेल्थ चॉपर और UAV। अब यार तुम लोग मुझे जरूर बताना कि यार तुम लोग वीटॉल ज्यादा प्रेफर करोगे या फिर ये ब्रांड न्यू चॉपर गनर। सो गाइस, अब बात करेंगे वो दो ब्रांड न्यू वेपन जो कि यार सीजन 1 में ऐड हो जाने वाले हैं। अब यार इनमें से एक एक SMG एंड एक है असॉल्ट राइफल। सबसे पहले यार हम लोग स्टार्ट करेंगे असॉल्ट राइफल के साथ, जो कि है किलो 141। अब यार ये जो एक बर्स्ट असॉल्ट राइफल है एंड इसके स्टैट्स जो है कुछ कुछ M13 से मिलते हैं, लेकिन यार क्लोज रेंज में ये जो है M13 से ज़्यादा फास्ट किल करेगी। अब तुम मुझे बताओ कि यार अगर तुम लोगों ने टेस्ट सर्वर खेला है तो तुम्हें ये गन कैसी लगी है। सेकेंड ब्रांड न्यू वेपन की बात करें तो वो है PPSH-41। अब यार ये जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया SMG है एंड इसके अंदर तुम्हें दो तरीके के मैग देखने को मिल जाएंगे, एक जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा है एंड एक जो है फास्ट रिलोड के लिए, जिससे कि यार इसकी जो रिलोड टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होने वाला है। एंड यार अभी के हिसाब से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यार ये जो है सीजन 1 की मेटा भी बन सकती है। एंड हाँ गाइस, यार जो हमारा गनस्मिथ का लेआउट है एंड जो कैमो सेलेक्ट करने वाला लेआउट है वो भी पहले से काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाने वाला है। अब यार तुम लोग मुझे बताना मत भूलना कि यार तुम्हें ज़्यादा अच्छा लेआउट कौन सा लगता था, जो नया है वो या फिर पुराना वाला। सो गाइस, अब कुछ ऐसी चीज़ों की बात करते हैं जो कि यार कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल ने कहा है कि यार ये जो है सीजन 1 2022 में फिक्स हो जाने वाली है और वो इसे और भी ज़्यादा बेहतर करने वाली है। सर तुम स्क्रीनशॉट से देख पा रहे होगी, ये कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट का ही है। यहाँ पर तुम्हें दिख रहा होगा यूज़र इंटरफेस, मैच ऑप्टिमाइजेशन, रिसोर्सेज एंड मोर। तो यार ये सारी की सारी चीज़ें जो है ऑप्टिमाइज होने वाली है। अब यार ऑप्टिमाइज का मतलब जो है गेम का साइज थोड़ा कम होने वाला है एंड जो प्लेइंग का एक्सपीरियंस है वो और भी ज़्यादा बढ़िया होने वाला है। सो गाइस, अब कुछ BR चेंजेस के बारे में बात करते हैं जो कि यार सीजन 1 में होने वाले हैं। सबसे पहला है कि यार एक ब्रांड न्यू लोकेशन ऐड होने वाली है ब्लैकआउट के अंदर, जिसका नाम है आइस पार्क एंड इसका एक गेम प्ले तुम लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होगे। एंड मुझे कमेंट में बताना, बिल्कुल मत भूलना कि यार क्या तुम इसके लिए एक्साइटेड हो।
सो गाइस अब हम बात करेंगे कि कौन सा वो एक एक्सपेक्टेड करेक्टर है जो कि यार सीजन 1 के बैटल पास में आने वाला है। अब जैसे कि तुमको पता होगा जब भी यार जो कोडेम का चाइनीज वर्जन है वो कोई से भी सीजन का मतलब जो है टीजर रिलीज करता है उसके अंदर जो सा भी करेक्टर होता है वो यार बैटल पास के अंदर जरूर आता है। जैसे कि यार सीजन 8 सेकेंड एनिवर्सरी में होता है एंड अभी सीजन 11 जो है फाइनल स्नो में हुआ था। वैसे कि यार यहाँ पर जो तुम टीजर देख पा रहे हो ये भी चाइनीज वर्जन ने ही रिलीज करा है एंड यार इसके अंदर जो है अर्बन ट्रैकर की काफ़ी ज़्यादा बढ़िया स्किन है जो कि यार हमें जो है बैटल पास के अंदर देखने को मिलने वाली है। सो गाइस इस वाले लीक में मैं तुमको बताऊंगा कि जो कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल के 3 कंटेंट क्रिएटर के बंडल आने वाले थे उनके ऑफिशियल रिलीज डेट क्या है। तो यार कल कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे ये पोस्ट डाला था जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है 3 न्यू सोल्जर्स और ऑन देयर वे कैन यू गेस हु दे माइट बी। तो यहाँ पर हम लोग क्लियरली देख सकते हैं वही तीनों कॉन्टेंट क्रिएटर के करेक्टर्स यहाँ पर खड़े हुए हैं एंड इन तीनों के ऑफिशियल रिलीज डेट भी तुम अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होगे। तो जैसा कि तुम यहाँ पर देख पा रहे हो आईफर्क का बंडल 11th ऑफ जनवरी यानी कि कल रिलीज होने वाला है, बॉबी प्लेस का बंडल 13th ऑफ जनवरी को रिलीज होने वाला है एंड हॉक्सनेस का बंडल 16th ऑफ जनवरी को रिलीज होने वाला है। अरे मैं तो तीनों के तीनों को ही बाय करने वाला हूँ। तुम मुझे कमेंट बताना बिल्कुल नहीं भूलना कि यार तुम्हारा फेवरेट कॉन्टेंट क्रिएटर कौन सा है इन तीनों में से एंड तुम तीनों में से कौन सा बंडल बाय करने वाले हो। तो गाइस अब बात करते हैं नेक्स्ट सीजन की जो मिथिक गन है वो कौन सी होने वाली है। तो यार कुछ इंसाइडर्स के द्वारा ये पता चला है कि यार गेम फाइल्स में ब्रांड न्यू किलो 141 असोल्ट राइफल की मिथिक गन मिली है जिसको कि यार अभी तुम स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि इसके अंदर यार जो कलर थीम है वो रेडिश ब्लैक है। अब यार तुम मुझे बताओ क्या रेडिश ब्लैक में यार तुम्हें कैसी लगेगी हमारी ब्रांड न्यू मिथिक गन एंड जो PPSH है उसकी हमें लेजेंडरी स्किन देखने को मिल जाएगी नेक्स्ट सीजन के अंदर। तो यार मैं तुम लोगों को एक लकी ड्रॉ बताऊंगा जो कि यार कंफर्म्ड है सीजन 1 में आने वाला है। तो यार जैसे कि मैं तुमको अपनी वीडियो की स्टार्टिंग में बता दिया था कि नेक्स्ट सीजन की जो थीम है वो लूनर न्यू ईयर की यानी कि यार सारी की सारी चीजें उसी थीम पे बेस्ड होने वाली है। तो कहते हैं जो लकी ड्रॉ है जो कि यार सीजन 1 में आने वाला है वो है हमारा OG क्रिमजन रश लकी ड्रॉ जिसके अंदर की यार सिर्फ फ्रीक शो एंड एपिक HBR3 ड्रैगन डांस आई थी। अब जैसे कि तुमको पता होगा कि यार HBR3 उस वक्त पे सिर्फ और सिर्फ पैसों की ही थी और कोई ऐसा ऑप्शन नहीं था, इसलिए लॉबी में जो भी बंदा उसको लेके आता था यार उसके सब के सब पीछे पड़ जाते थे एंड जैसे ही वो मरता था तो उसकी गन उठा के चलाने लग जाते थे। एक सेकंड, ओ सॉरी थोड़ा इमोशनल हो गया था। सो गाइस अब बढ़ते हैं आज वाली वीडियो के सबसे लास्ट लीक की तरफ कि क्या यार हमें कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल के फ्यूचर में एक मिथिक करेक्टर देखने को मिल सकता है। अब यार तुम जैसा कि इस फोटो में देख पा रहे हो ये है कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल का ब्लॉग सीजन 11 का, यहाँ पर लिखा हुआ है बंच ऑफ मिथिक ऑपरेटर्स यानी कि यार फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि हमें एक मिथिक करेक्टर देखने को मिल जाए, या तो यार वो स्पेशल ऑप्स 1 का हो सकता है या फिर अर्बन ट्रैकर का हो सकता है, अभी तो ऐसा ही माना जा रहा है। इसकी यार अभी भी कोई कंफर्मेशन नहीं है लेकिन जैसे ही कोई सा अपडेट आता है मैं तुम्हें जल्दी से जल्दी बता दूंगा। सो गाइस आई होप तुम लोगों को आज वाली वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हाँ गाइस रियली थैंक यू कि यार आज वाली वीडियो तुम लोग एंड तक देख रहे हो क्योंकि यार आज वाली वीडियो जितना मैंने सोचा था उससे कुछ ज़्यादा ही लंबी बन चुकी है। एंड गाइस तुम्हें अगर ज़्यादा लंबी वीडियोज देखना पसंद नहीं है तो तुम मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं वीडियो को जो है पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा। तो मिलते हैं एक और ऐसे धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।